हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड वेन 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ फिनॉल। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फिनॉल है रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव सोडियम फिनोक्साइड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करें, टू मोल ऑफ फिनॉल रिएक्ट विथ टू मोल ऑफ सोडियम टू गिव टू मोल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी टू मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट टू गिव वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो वन मोल होगा सोडियम का, दैट इज इक्विवेलेंट टू 23 ग्राम, ये हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का देगा 11.2 लीटर। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा दैट इज बी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड क्वेश्चन है अल्कोहल जब PCl5 से रिएक्ट करता है तो अल्काइल क्लोराइड बनता है, और अल्कोहल जब PCl3 से रिएक्ट करता है तो ही प्रोडक्ट हमको अल्काइल क्लोराइड बनता है। विच इज ट्रू स्टेटमेंट कि वन मोल PCl5 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ अल्कोहल एंड वन मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ अल्कोहल, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू और नन। तो जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जब हम लोग PCl5 के साथ बैलेंस रिएक्शन लेते हैं तो वन मोल अल्कोहल वन मोल PCl5 से रिएक्ट करके वन मोल आर्स अल्काइल क्लोराइड, वन मोल HCl और वन मोल POCl देता है, यानी कि वन मोल अल्कोहल वन मोल PCl5 से ही रिएक्ट करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं, जो सेकेंड एग्जाम्पल है अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 टू गिव RCl एंड H3PO3। ये तीन क्लोरीन एटम है, तीनों क्लोरीन एटम एक्टिव होता है और तीनों क्लोरीन एटम तीन मोल अल्कोहल से रिएक्ट करके, जो कि मैकेनिज्म से भी सपोर्टेड है, तीन मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल क्लोराइड और H3PO प्रोडक्ट बनता है। मतलब वन मोल PCl3 तीन मोल अल्कोहल से रिएक्ट करता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वन मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वन मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एक्स मोल ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो एक्स का अमाउंट कितना होगा। तो एक मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट इस रीजन में यूज होगा, एक मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट इस रीजन में यूज होगा, और ये इस्टर ग्रुप है, इस्टर ग्रुप जो है कि दो राउंड में ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है, यानी कि इस्टर दो राउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है। तो ये जो इस्टर वाला रीजन है यहाँ टू मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल 1, 2, or 2, 4 मोल, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टू मोल, जो क्वेश्चन 4 है कि वेन वन मोल ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट विथ एनिलीन हाउ मेनी मोल ऑफ ट्राई ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेंड एज वाइट क्रिस्टेट, यानी जब एनिलीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन वाटर से, तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन वाटर से, तो प्रोडक्ट मिलता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि वाइट प्रिस्टेट के मिलता है। अब रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो 3 मोल ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट टू गिव 1 मोल ऑफ वाइट प्रिस्टेट ऑफ ट्राई ब्रोमो एनिलीन अलॉन्ग विथ 3 मोल ऑफ HBr।
मतलब थ्री मोल ब्रोमीन का रिएक्ट करके वन मोल एनिलीन ट्राइब्रोमेनिलीन देता है। तो वन मोल ऑफ ब्रोमीन जो है रिएक्ट विथ वन बाई थ्री मोल ऑफ ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसलिए जो ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज वन बाई थ्री मोल ऑफ ट्राइब्रोमो एनिलीन। करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मैनी मोल ऑफ, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एनएमएच इज रिक्वायर्ड फॉर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ एमाइड। तो हम लोग देख सकते हैं जो बैलेंस रिएक्शन है, तो बैलेंस रिएक्शन है कि वन मोल अमाइड रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ ब्रोमीन विथ फोर मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव वन मोल एमाइन, टू मोल सोडियम ब्रोमाइड एंड टू मोल ऑफ वाटर। हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज फोर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन है कि मिथॉक्सी इथेन जब एच आई से रिएक्ट करता है तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट या मोल ऑफ एच आई दैट रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ मिथॉक्सी इथेन। वन मोल ऑफ मिथॉक्सी इथेन से रिएक्ट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एच आई क्या हो सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो जब मिथॉक्सी इथेन एच आई से रिएक्ट करता है तो फर्स्ट राउंड में ये इथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड मिलता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एच आई के प्रेजेंस में फिर अल्कोहल जो है फर्दर एच आई से रिएक्ट करके और फिर ये इथाइल आयोडाइड देता है। तो टोटल दो मोल ऑफ टू मोल ऑफ एच आई कैन रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ मिथॉक्सी इथेन, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी टू मोल ऑफ एच आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, तो वन मोल ऑफ जो ग्लूकोज है कितने मोल एच आई ओ फोर से रिएक्ट करता है और इसमें प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनता है। इसमें क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जाते हैं कि कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड का या कितना मोल फॉर्मिक एसिड का बन सकता है, तो हम लोग देखते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कंटेनिंग सिक्स कार्बन एटम एंड वन एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो एच आई ओ फोर है पर आयोडिक एसिड या पर आयोडेट, तो एच आई ओ फोर है दैट लीड्स टू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ फिशनल डाइऑल या एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका क्लीवेज भी करता है और ऑक्सीडेशन भी, क्लीवेज प्लस ऑक्सीडेशन होता है। वन मोल एच आई ओ फोर जो है विल रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड वन टू, तो टोटल फाइव टाइम्स क्लीवेज हो सकता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ जो एच आई ओ फोर होगा दैट विल बी फाइव मोल ऑफ एच आई ओ फोर विल बी रिक्वायर्ड। तो इसका जब क्लीवेज और ऑक्सीडेशन होगा दैट, तो जो एल्डिहाइड सी एच ओ ग्रुप है एक कार्बन का एल्डिहाइड, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा दैट विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड, वन मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये जो अल्कोहल है एक राउंड ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड, दूसरे राउंड ऑक्सीडेशन होगा ये भी एसिड, सिमिलरली ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो फिर फर्दर जो है कि फोर मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। और जो लास्ट अल्कोहल है सी एच टू ओ एच ग्रुप, इसका एक राउंड ऑक्सीडेशन होगा इसलिए एक कार्बन का एल्डिहाइड। तो टोटल फाइव मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है कि वन मोल सेमी कार्बोजाइड कितने मोल एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। जो थ्री नाइट्रोजन एटम है इसमें से एक ही नाइट्रोजन एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो कि मोस्ट बेसिक होता है, और दैट इज दिस नाइट्रोजन, दिस एंड इज गोइंग टू रिएक्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ये दोनों जो लोन पेयर हैं ये डिलोकलाइज है इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन है दिस एंड रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, यानी कि वन मोल सेमी कार्बोजाइड रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ एल्डिहाइड टू गिव वन मोल ऑफ सेमी कार्बाजोन। तो एक्स जो है हमारा दैट इज ऑप्शन डी।
तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्स मोल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ वाई मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है और जो प्रोडक्ट बनता है यूरोट्रोपिन, ये एक क्लिनिकली इम्पोर्टेंट जो है कि मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं और यूरिनरी इन्फेक्शन और यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का जो है कि सम है वो कितना होगा। यूरोट्रोपिन है इसका जो केमिकल नेम है, यानी कि यूरोट्रोपिन जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, यानी कि 6CH2 ग्रुप इसमें होता है और 4 जो है एमीन ग्रुप होता है टेट्राएमाइन, यानी कि ये जो CH2 ग्रुप है दैट कम फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू गिव यूरोट्रोपिन और हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा 6 + 4 = 10, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूरिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेलडाल मेथड, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज न्यूट्रलाइज बाई 10 ml ऑफ 1 molar H2SO4, देन फाइंड आउट परसेंटेज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग जानते हैं जो इसका फॉर्मूला होगा, परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 × mEq ऑफ H2SO4 बाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 molar जो H2SO4 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 normality H2SO4 और जो मिली इक्विवेलेंट है H2SO4 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml दैट इज 2 × 10। तो जो फॉर्मूला हमारा है परसेंटेज नाइट्रोजन 1.4 × 20 / 0.5, जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज 56%, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ मोल कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।